जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस रो महालूट मंत्र उपरे मोदी का प्रहार, देशवासी का संपत्ति उपरे कांग्रेस रो नजर, माता पिता का संपत्ति पिलांकु देवनी कांग्रेस, उत्तराधिकारी टैक्स लगाइबो कांग्रेस, कांग्रेस रो मंत्र देश को लूट। इन अमेरिका देयर इज अ इनहेरिटेंस टैक्स, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग लॉ। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। मंगलसूत्र हनुमान चालीसा, एवे कांग्रेस को सांप पिटोड़ा झटका। पुणी कांग्रेस आउ एक हीन राजनैतिक उद्देश्य मुखा खोलिले प्रधानमंत्री, पुणी देश को लुटिबार कांग्रेस महाजोजना उपरे मोदी कड़ा आभिमुख्य। कांग्रेस ऑल टाइम एडवाइजर साम पिट्रोडा इनहेरिटेंस टैक्स मंतव्य भारी पड़ी कांग्रेस को। तांको कहिबा अनुसारे निज संपत्ति को पिलांकु देई पारिबेनी माँ बापा। अमेरिकार उत्तराधिकारी आईन को अनुसरण करने को चाहूची कांग्रेस। एही नियम अनुसारे जड़े व्यक्ति मृत्यु पर संपत्तिर केवल 45% पर अर्थात पिला मिले, बड़का 55% सरकार अधीन को चली जाए। कांग्रेस रो मंत्र हेउची कांग्रेस रो लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जेते पर्यंत आपण जीवित रहिबे कांग्रेस आपण कठारु टैक्स नै पारिबो, मृत्यु परे भी आपण को उपरे उत्तराधिकारी टैक्स रो बोझ लदि देबो। इन अमेरिका देयर इज अ इनहेरिटेंस टैक्स, सो इफ लेट्स से वन हैज $100 million वर्थ ऑफ वेल्थ एंड व्हेन ही डाइज ही कैन ओनली ट्रांसफर प्रोबेबली 45% टू हिज चिल्ड्रन, 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India you don't have that. Mata pita se milne wali virasat par bhi tax lagayegi. Congress sarkar ka panja use bhi aapse chhin lega. Congress ka mantra hai, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्यों अधिकारे कांग्रेस एक माँ बापा परिश्रम धन को लुटा चाहूची। भारत अधिक प्रतिशत मध्यबित्त श्रेणी से कष्ट अर्जित धन को निज पर रक्षण बेक्षण देवाक चाहती, किंतु कांग्रेस रही षड्यंत्र जीवन में घोर विपद आनीदेव बोली चेतावनी देखते प्रधानमंत्री। देश को एपरी महालुटकारी मानू बचाइबार समय आसी। 2024 निर्वाचन में बीजेपी सरकार का साथ दे देश को एपरी लुटकारी पंजारु रक्षा करने को आज छत्तीसगढ़ में आह्वान देते प्रधानमंत्री। आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं, क्या आपको ये मंजूर है? ये आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बताइए, उनके कान पे सुनाई दे, ये मंजूर है? इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, वो साम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। अन्य पटे पित्रोड़ा यह व्यक्तिगत मत बोली कांग्रेस दल पक्ष सफे दिया जाएगी। साम पित्रोड़ा बयान को नहीं बीजेपी बड़ नेता मैंने कड़ा प्रतिक्रिया रखी। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का समेत बीजेपी रा तुंग नेता माने कांग्रेस को टारगेट करछंती। देश संपत्ति को लुटिबार कांग्रेस रा हिडन एजेंडा रा मुखा खोली जायछि। गांधी परिवार रा विशेष परामर्शदाता साम पित्रोड़ा का उत्तराधिकारी टैक्स कांग्रेस रा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी उद्देश्य को सामना को आनी छि। देश रा जनता कांग्रेस रा एपरी विपज्जनक उद्देश्य को कदापि ग्रहण करिवे नाही बोली ट्वीट करी कहिछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।